उधरा गाड़ी की दिखा रहे हैं, रेट लगवाने सेल करने का सोच रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कौन सा मॉडल है आपका? 2017 है, GLI है, मैनुअल गाड़ी है। तो कितनी है यार, चेक कर लो, मैंने तो कोई नहीं। साढ़े GLI है यार, लड़के यार गाड़ी तो अच्छी है, इसको उससे संभालना पड़ेगा सब कुछ। आप अपना बता दें क्या डिमांड है आपकी। व्यवहार 35 लाख 40 लाख, तेरा खर्चे दे दूंगा, चाय पानी खरीदोगे मतलब, अगर मैं आपको देता हूँ भाई। देखिए हम लेंगे 30 लाख रुपए का, फिर खर्चा भी करेंगे, कमाएंगे भी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल वाल, कैसे हैं? मलिक तनवीन और ये हमारा शेरू वाइट टाइगर। तो यानी सीन बहुत मुश्किल चल रहा है यार, आपको पता है गाड़ी के इंजन से खर खर की आवाजें आ रही हैं, इंटीरियर काम है, बॉडी का काम है, शेरू का डाडो सीन खराब आया। अब मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ। मुझे अक्सर लोग कमेंट करते हैं, मलिक साहब बड़ी गाड़ी बेच के छोटी गाड़ी ले लो, ऑल्टो ले लो, ये ले लो, वो ले लो, चलानी तो इन ड्राइव करीम पे ही है, तो इससे अच्छे वाली गाड़ी ले लो। मैंने सोचा यार क्या करूँ, इसके ऊपर भी 2-3 लाख रुपया खर्चा आया हुआ है, पूरा इंजन बनेगा, चीज़ें होगी, सोच रहा हूँ गाड़ी को बेच दूँ। अब समझ नहीं आ रही क्या करूँ क्या नहीं करूँ। आज जाता हूँ, सोच रहा हूँ रेट वेट लगवाते हैं इसके, क्या रेट लगते हैं इन, जो प्राइस लगेंगे इसके, इस प्राइस में और कौन सी गाड़ी आ सकती है। अरे शेरा मेरी जान, तुझे कैसे बताऊं, तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ यार मेरी जान, आई लव यू शेरा। तू चला जाएगा, तेरी बहुत याद आएगी मेरी जान, तूने मेरा वहाँ वहाँ साथ दिया जहाँ मेरे साथ कोई नहीं था, तेरे साथ पूरा पाकिस्तान घूम के आया हूँ शेरा, नाराज़ ना होई मेरी जान, मेरे बस में होता तो मैं अपनी जान तुझे दे देता, जानी जेब खाली है, कोई अपना नहीं सिवाय तेरे, अब तू भी छोड़ के जाने वाला है मेरी जान, सोच सोच के दिल बड़ा अफसरदा है, दुखी हूँ ज़रा, ए मेरे परवरदिगार आसानी फरमा, शेरा तेरी याद आएगी अगर तू चला गया, तेरी ठंडी मशीन, तेरे टच करना बटन स्टेयरिंग, ओए शेरा मत पूछ, दिल मेरा भी अफसरदा है यार। भाई पहुंच गया हूँ कार शोरूम, मेरे पीछे गाड़ी खड़ी हुई है, अभी बुलाते हैं भाई को और अपने शेरू को दिखाते हैं, लेट्स सी क्या प्राइस लगता है। खैर करे भाई, मुझे लग रहा लग जाएंगे वो 40-50 लग जाएंगे, 40-50 लाख रुपए मिलेंगे, क्या बात, थोड़े से और मिला के फॉर्च्यूनर ले लेंगे या रिमो ले लेंगे, उसे भी करीम वगैरह चलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं भाई? ठीक है, आप होते हैं यहाँ पे? जी यार, वो उधर गाड़ी की दिखा रहे हैं, रेट लगवाने सेल करने का सोच रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कौन सा मॉडल है? 2017 है, GLI है, मैनुअल गाड़ी है। हाँ तो कितनी है यार, चेक कर लो, मैंने तो कोई नहीं कराया, एक बार फेंडर होगा थोड़ा बहुत, बाकी अपने हिसाब से देख लो, एक आध 20 होगा, वो कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं है गाड़ी का। अबे GLI है यार लड़के, भी मुझे मैंने तो रेट देखे ओलेक्स पे 35-35 लाख, हाँ 35 लाख भी मिल रहे हैं 17 के। अगर मैं आपको बोलूँ ये चाबी है लो, कितने की लेंगे आप? मैं लूंगा 28 लाख रुपए में ले। अरे जानी भी 30 लाख बोल के, 29.5 लाख की बिकेगी ये गाड़ी? नहीं यार, आज सुपर की नहीं बिकेगी, 28 लाख रुपए में ले। ऐसे ही चेक भी नहीं करोगे? चेक कर देंगे, बताओ हो सकता है कि मैं सेल कर दूँ, फिर मैं उसी गाड़ी में चलाऊँ, चेक कर लो भाई, देखो मुझे इतने में समझ आ रही है। अरे भाई ये कह रहे हैं 28-28.5 लाख रुपए की जो है मैक्सिमम प्राइस चली जाएगी, शायद गाड़ी सर्विसिंग करवा के आया है ना, तभी वो बोल रहा है कि यार ये मसले हैं और डिक्की विक्की ऊपर नीचे हुई है। भाई करीब ऊपर चलती है गाड़ी, जाहिर सी बात है साइडें वाइडें रगड़ में आएंगी ही आएंगी, अभी वो चेक कर रहा है, कह रहा है मैं चेक करता हूँ बताता हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ, लोग मुझे अक्सर कमेंट कर रहे हैं यार ये ले लो ऑल्टो ले लो, वो भी पूछूंगा, इसके तो 28 लाख 29 लाख रुपये लगा रहा है यार। हाँ मत क्या बोलते हैं, 28 लाख 29 लाख रुपये बोल रहे हैं, बहुत कम बोले थे ना ऑल्टो की प्राइस है, दिल जुड़ गया ना, अभी तो उसे चेक नहीं की, कह रहा भी मैं चेक करूंगा, मैंने तो पहले चेक कर और मुझे कंफर्म रेट दो। नहीं बेच बोलते भाई, इंजन का काम करवाना है, 1.5-2 लाख रुपए इंजन पे लगेंगे, बॉडी वोडी क्या करे, यूट्यूब भी तो नहीं चल रहा ना कि चलो यहाँ से कमा रहे हो, क्या करे फिर, क्या 28 लाख की बेच दोगे? नहीं वो देखेगा बताया, हो तो 28 लाख से और भी कम करे, जब खोलेगा इंजन चेक करेगा बोलेगा भाई तो काम है ये वो, क्या बोल रहे?
पेड़ लगवा लेते हैं, एक दो गाड़ी सब खड़ी हुई है, तो लोगों ने कहा कि ऑल्टो ले लो, मीरा ले लो, वो भी खड़ी हुई है, तो उससे फिर मार्चा मारने की कोशिश करेंगे कि भाई अगर हम 1 करोड़ दें और ऑल्टो लें तो ऊपर कुछ आएगा या नहीं। भाई आ चुके दूसरे भाई, ये गाड़ी की इंस्पेक्शन कर रहे हैं, अब ये बताएंगे कितने भी स्ट्रेचअप है, क्या सीधा बोनट खोलो, हमें बोनट खोलना जरा। अरे भाई बोनट खुलवा रहा है ये तो, 2017 GLI है भाई, भी सर्विस नहीं हुई, सही है ना, वैसे खराब लगी गाड़ी थोड़ी, सही है यार, सर्विस करवा के आना चाहिए था कि भाई आगे गाड़ी फुल चप गए, आधी गाड़ी वैसे गंदी लग रही है, सर्विस आधी और खराब लग रही है यार, कराची यहाँ तो मट्टी बहुत हो रही है। हाँ स्टार्ट करें, स्टार्ट करना जरा, स्टार्ट स्टार्ट हो रहा है फुल तरीके से, स्टार्ट हो गई है भाई, और अभी 20 चेक करें कितना टचअप है, बस बंद कर दो, बंद कर दो, डिग्गी खोलना भाई, फुल चीजें चेक हो रही हैं, खुल गई, खुल गई, ये चेक करते हैं ज्वाइंट बने तो नहीं है, जी बनी तो नहीं है, नहीं जेन्युइन है भाई, डिग्गी जेन्युइन है, अब इतनी तो तरीके से मैंने खुद चेक नहीं की होगी गाड़ी, जितने से ये कर रहे हैं, आइडिया है, 2017 की पुरानी चाबी, नई चाबी, वो रिमोट वाली है ना, रिमोट सही नहीं चाहिए, ये आपकी गाड़ी आपको अभी देनी, हाँ मुझे प्राइस समझ, अच्छी ऑफर आएगी ना, मैं होते आज कल मेरे 2 हफ्ते में, तो मुझे बताओ अगर ये ऑफर आएगी, बेचनी हो तो आप मेरे पास आ जाइएगा, जो भी होगा बैठ के कर लेंगे, अरे आइडिया तो बताओ, मैं आप मुझे बोलोगे ये हमारी ऑफर ये है, मैं जाके वाले से डिस्कस करूंगा, जब आप आएंगे ना, जब आप आएंगे फिर जब भी बात करेंगे, इंशाल्लाह आपको नाराज नहीं करेंगे, इंशाल्लाह मेरे को एक एस्टीमेट, मैं वाले साहब को जो बोलूँ गाड़ी दिखा के आया हूँ, उसको क्या बोलूँ कितने पैसे लगे हैं, बाकी 32 पर ध्यान रखे, लिख जाएगी, तुम भेज दोगे तैयार करके रेडी होके, इस कंडीशन में अगर मैं कुछ नहीं बनवाता, ऐसी खड़ी बोलता हूँ यार, यार सिर्फ सर्विस करवा गया, 1 लाख रुपए का खर्चा रखे हैं, जो गाड़ी 00 होने में, बिल्कुल टायर वगैरह ब्रांड नहीं होंगे, 1-1 लाख में क्या क्या करवाओगे यार, इसके दरवाजे वगैरह सेट होंगे, टचअप वचअप का कोई काम है, फुटबोर्ड का काम है, सही है, टायर वगैरह में कोई होगा, सस्पेंशन का काम है, हां सही है, वो भी है, लाइट्स वगैरह ऑन होंगी जो बंद हुई है, छोटे मोटे और भी काम होते, तकरीबन लग जाते हैं 90,000 रुपए लाख लग जाते, वो इंजन विंजन साउंड सुना वो सही है, ट्यूनिंग वगैरह होगी उसकी भी, ट्यूनिंग वगैरह का भी खर्चा होता है, सब चीजें करके इंशाल्लाह ताला हो सकता है कम भी लग सकते हैं, फिर क्या बोलूंगा, शोरूम वाले ने मुझे बोला हमें चाबी ला के दो, हमसे इतना ले लो, क्या बोलो आप उनको, बोले आप कितने खरीदोगे मुझसे, अगर मैं आपको देता हूँ भाई, देखिए हम लेंगे 30 लाख रुपए, क्योंकि खर्चा भी करेंगे, कमाएंगे भी, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी फाइनल ऑफर 30 लाख रुपए, 30 लाख बनवाओगे खुद ही, खुद ही सब काम वाम खुद ही करवाएंगे, बाकी मैं डॉक्यूमेंट से क्लियर दिखा दूंगा, डॉक्यूमेंट से क्लियर होनी चाहिए, इंजन अपना होना चाहिए, CPL भी क्लियर, सही है, नंबर प्लेट सब क्लियर का सौदा, ठीक, अच्छा मुझे एक और बताओ, अगर इसका इंजन हम चेंज करवाते हैं, हाँ। जैसे मिलने काबली, बिल्कुल उसमें कोई फर्क पड़ेगा यार, बहुत फर्क पड़ते हैं, नया डाला हुआ दूसरा, इंजन चेंज हो जाता है, इंजन चेंज हो जाता है तो गाड़ी की बेहतर कीमत कम हो जाती है, अगर मैं इस गाड़ी का काम करवाना चाहूँ, मिसाल है, आप क्या रेकमेंड करो, इसी इंजन को बनवा लो, मतलब पूरा इंजन यार, ये इंजन इतनी जल्दी बोलते नहीं है, मतलब इतनी जल्दी काम नहीं निकालते, खास तौर पर टोयोटा के, सही है, तो अगर कोई होता भी है तो बन जाता है, इंजन चेंज नहीं करवाओ, बेचने में मसला होगा मुझे, इसी को बनवा लो, भले जो भी हो, चले बहुत शुक्रिया, अच्छा मुझे एक और चीज बताए, इसकी तो मुझे बता दी, अगर मैं इसके बदले कोई और गाड़ी लेना चाहूँगा खड़ी हूँ, जो मुझे दिखा सको कि मार्चे में एक्सचेंज में, ऑल्टो है हमारे पास, ऑल्टो नई वाली, हाँ 18-20-19 मेरे पास जैपनीज खड़ी हुई है, 18-23 की गाड़ी है, 4 ग्रेड की गाड़ी है, हाँ अभी खड़ी हुई है, अभी खड़ी, दिखाएंगे जरा, अपने को इससे लगा दी है, खर्चा भी बता दिया, अब फिर अक्सर लोग मुझे रेकमेंड करते हैं, मरीज साहब बड़ी गाड़ी क्यों रखी हुई है, छोटी मोटी ले लो ऑल्टो या मीरा, तो मैंने सोचा चलो
मार्च में देखते हैं क्या मिलते। ओ खैर, अच्छा ये गाड़ी भाई माशाल्लाह ऑल्टो तो फिर तो चलाई हुई है, फुल पैनल चैनल भी लगे हुए, बाबा क्या बात है। अच्छा ये गाड़ी है भाई ऑल्टो, इसके पूछते हम लोग। सही है, गाड़ी साफ सुथरी खड़ी हुई है, अब इतनी तो हमारी करोला नहीं खड़ी है, शोरूम में खड़ी होगी, ये फायदे होते हैं, चमचमाती भी थी। अच्छा तो इसके क्या पैसे हैं? इसके 29.5 लाख रुपए डिमांड। मैं अपनी करोला दूं, ये मुझे दोगे तो ऊपर कितने लोगे मुझे? वो हम लोग बैठ के बात कर लेंगे जब डील होगी इंशाल्लाह ताला, जो भी होगा। लेकिन आप कह रहे फिलहाल इसकी डिमांड जो है 29 लाख रुपए कर रहे हैं? 29.5 लाख रुपए। अच्छा फर्स्ट ओनर है? फर्स्ट ओनर गाड़ी है, सेल्फ इम्पोर्ट है हमारी, खुद की इम्पोर्ट। कितने किलोमीटर चली हुई है? ये मेरे फल में 28,000 चली हुई। ओह अच्छा, रिम टायर लगे हुए, नए रिम टायर है, हीट ट्रैक मेरा है। अच्छा राइट पैनल डला हुआ है। यार मुझे लग रहा था कि मैं अपनी करोला दूंगा ना तो ऑल्टो में मतलब 5-6 लाख तो मुझे बच जाएंगे अगर मैं स्विच करूं, लेकिन इस हिसाब से तो मुझे नहीं लग रहा। आप पाकिस्तानी भी रहेंगे तो आपको बच जाएंगे। कितने बचेंगे पाकिस्तानी लोग? अगर 21 BXR लेते हैं तो आपको 22.5 हजार इसकी पड़ेगी, 22.5 BXR 2021। अच्छा ये जैपनीज है, 18 का मॉडल है। अरे जैपनीज है इस वजह से महंगी है ये, लेकिन जैपनीज पर अगर मैं जाऊँ तो मैं से मीरा ले लूँ। मीरा अगर आप इस मॉडल में जाएंगे 18 की गाड़ी भी अगर आप लेते हैं तो तकरीबन 33-34 लाख रुपए से शुरू होता है। मीरा भी महंगी है भाई, मीरा तो करोड़ों के ऊपर जा रही है, 33-35। चलो तो फिर आपकी ऑफर इसे बैक तो नहीं हो गया? अगर मैं जाके मशवरा करूंगा भाई, मैंने चीफ बोले उन्होंने मुझे, आप मशवरा कर ले मुझे बता। अगर हम दिमाग बना के ऊपर का फिर यहाँ तो और नीचे ले हैं, वैसे गाड़ी चेक करने का मकसद नहीं था कि आपने गाड़ी पे आप मुझे खुद देखी है, हर चीज चेक कर ली भाई क्या हिसाब है, पीस भी कैसे कर लिया, कितने पीस चेक नजर आया रेट शेट तुमने सुन लिया मलिक साहब की गाड़ी क्या रेट लगे? अगर हमारा कोई सब्सक्राइबर है समझ रहे हो ना बात को, तो वो आके अगर लेना चाहे हमसे गाड़ी तो भाई हम माजरा ले लो, कोई 35-40 लाख रुपए दे दो यार, फिर हमने गाड़ी भी तो ले ली ना समझो। या कोई आके बोले सब्सक्राइबर मलिक साहब यार तू परेशान क्यों होता है, करोला की चाबी दे मैं बोलूंगा ये ले, बोलेगा तू सिविक ले ले जा मलिक, तू टेंशन नहीं ले हमारे उधर मेरे निक्के निक्के। अच्छा भाई जिसने गाड़ी लेनी हो देख सकते हो, और अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि मैं करोला से किस गाड़ी पर स्विच हूँ आप बताइएगा मुझे। दिल तो करता है कि करोला बेच के 2-4 पैसे और मिला के फिर जो है कोई अच्छी सी गाड़ी ले लूँ, लेकिन 2-4 पैसे होते तो फिर हम इंजन ना बनवा लेते भाई। अब वापस जा रहा हूँ शोरूम से तुम्हारे सामने है यार, रेट तुमने सुन लिया। अब मुझे लोग बोलते हैं मलिक साहब ऑल्टो ले लो छोटी गाड़ी चलाओ, भाई छोटी गाड़ी भी ले लो तो मुझे क्या बच रहा है, बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी पे स्विच हो रहा हूँ तो मुझे 1-2 लाख रुपए बच रहे हैं, तो वो आपको समझदार बेकार है फिर तो। दिल टूट गया यार, शेरू अपना पैसे होते तो शेरू बनवाता मैं, क्या बताएं तुम्हें। अब वो कह रहा है भाई आ जाना हमारे 28 लाख पे पहले लड़के ने लगाया, फिर दूसरा लगाया, बोल रहा है भाई तुम्हारी ज़्यादा महंगी बिकेगी 30-31 लाख की जाएगी, हम तुमसे लेंगे तो 28-29 लाख की लेंगे ठीक है, और उसके बाद फिर जाहिर सी बात हर बंदे का कट होता है कमीशन होता है। कह रहा है बाकी जब आना हो तो डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाना, बाकी सारी चीज़ें फिर हम बैठ के टेबल टॉक कर लेंगे। अब बताओ मैं ऑल्टो लूँ क्या फ़ायदा मुझे, मैं खुद परेशान हूँ क्या करूँ। हमारा शेरू अभी मशवरा करेंगे वाले साहब से कि भाई ये रेट लगे हैं, ये प्राइजेज हैं, ये सीन हुआ है, आप क्या कहते हो, फिर वो जो मशवरा होगा उनका फिर देखेंगे। पैसा होता तो हम इसी को बेचते भी नहीं, इंजन बनवा दे भाई, सदकात खैरात और अतियात चंदा जमा करवाएं, शेरू का काम करवाएं। तू क्यों सुन हुआ है बोल रहा है यार, मुझे लगा 50-60 लाख तो देंगे, मैंने बोला फॉर्च्यूनर बेच रहा है क्या, क्या हुआ भाई? ऑल्टो का रेट दे रही है हमें भाई, यही होता है, ये बेचारा सुना ही है शौक बोले यार 30 लाख 28 लाख ऑल्टो बेचना है भाई क्या? मैंने बोला यार ऐसा ही होता है भाई, जिस जिसको जिसने मजबूर पाया है उसने उतना ही सताया है। चलो यार आज के लोग यहाँ तक का, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, मेरे को तो अच्छा नहीं लगा, मेरी गाड़ी शेरू के रेट गिरा दिए उन्होंने, मेरी जान मेरी पहचान हमारा सब कुछ शेरू, क्या बोलता है यार अहमद। बस यार कल व्लॉग बनाएंगे भी, दिल टूटा हुआ है अभी तो, दिमाग की परियां घूम गई हैं। वाले साहब को जब बोलूँगा तो बोलेगा तुझे बोलता था संभाल कर गाड़ी को, तुझे बोलता था सफाई रख यूं कर, देखा तूने अभी कौड़ी के दामों में गाड़ी जा रही है तेरी, जब तुम खुद कमाओगे तो पता लगेगा तुम्हें कि 1-1 रुपया कीमती होता तुम्हारा। बात तो वो सही कहते हैं, आज पता लगा।